गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 4, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिंकिंग वेब पेजेस। कल हमने पढ़ा था कि वेब पेजेस के अंदर इमेज कैसे ऐड करते हैं, इनलाइन इमेज, एक्सटर्नल इमेज के बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वह आपका लिंकिंग वेब पेजेस। अ वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेब पेजेस दैट गिव यू एक्सेस टू द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन को यूज़ करने की परमिशन देते हैं। HTML renders are powerful features of linking these web pages together called hyperlinking. HTML के पास एक powerful feature है, वो feature क्या है कि वो अलग अलग web pages को आपस में link कर देता है। जब वो अलग अलग web pages को आपस में link कर देता है तो इस feature को हम बोलते हैं hyperlinking. Using these hyperlinks, you can open any linked web page to the internet instantly. आप hyperlink की help से किसी भी linked web page को आसानी से, जल्दी से internet की help से उसे open कर सकते हो। When you hover the mouse pointer over a link, hover का मतलब होता है mouse को लेकर जाना। जैसे अभी आपकी screen पर दिख रहा mouse को मैं simple लेकर जा रही हूँ, तो जब आप किसी link के ऊपर mouse को लेकर जाते हो, it changes into a little hand, वो छोटे से हाथ में convert हो जाता है। Types of linking, internal linking, when one part of a web page is linked to another section of the same page, जब किसी web page का एक part उसी web page के दूसरे part से connected होता है, it is called internal linking. Like ये page आपको नज़र आ रहा है, अभी मान लो ये hyperlink आपका link है, ये hyperlink पर आप click करोगे और आप बिल्कुल नीचे चले गए या left में right में same page पर ही रहे, तो ऐसी linking को हम बोलते हैं internal linking. क्लियर है? अगर लिंक सेम पेज के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में है तो वो इंटरनल लिंकिंग है। एक्सटर्नल लिंकिंग, व्हेन वन पेज इज लिंक टू द अनदर वेब पेज और वेबसाइट, इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। और जब एक पेज किसी दूसरे वेब पेज से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। इट मीन्स जब आपने एक पेज पर क्लिक किया, जब आपके पास इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है, तो वो लिंकिंग कैसी कहलाती है? एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकिंग, लिंकिंग इज द प्राइमरली मीन्स टू लिंक टू और मोर डॉक्यूमेंट्स ऑन ए वेब पेज। लिंकिंग का मतलब क्या है? दो या दो से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को वेब पेज के अंदर आपस में जोड़ना। यूजिंग लिंक्स वन कैन नेविगेट थ्रू द डिजायर्ड वेब डॉक्यूमेंट विद जस्ट अ क्लिक ऑफ अ माउस। लिंक की हेल्प से यूजर क्या कर सकता है? अलग अलग वेब डॉक्यूमेंट्स पर नेविगेट कर सकता है। इट मीन्स जा सकता है, चेक कर सकता है। कैसे? सिंपल माउस के एक क्लिक से। इन HTML एन आइकन, टेक्स्ट और ग्राफिक कैन बी यूज टू लिंक अनदर फाइल। HTML के अंदर आप किसी आइकन को, टेक्स्ट को या किसी ग्राफिक को भी लिंक कर सकते हो किसी दूसरे फाइल या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। ब्राउजर हाईलाइट द आइडेंटिफाइड टेक्स्ट और इमेज विद कलर एंड अंडरलाइन टू इंडिकेट दैट इट इज़ हाइपर टेक्स्ट लिंक। ब्राउजर क्या करता है? ऐसे टेक्स्ट को जिसके अंदर किसी चीज़ का लिंक होता है उनको अलग से हाईलाइट कर देता है या उनके कलर को चेंज कर देता है या उन्हें अंडरलाइन कर देता है, ताकि ये अलग से पहचाने जा सकें कि ये लिंक कैसे हैं, हाइपर टेक्स्ट लिंक है। There is no need to create a large document having all the information on that page itself, as it make the web page flat and non-interactive. ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक ही पेज के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करो, बहुत बड़ा उसको बना दो। आप क्या कर सकते हो? उसकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे वेब पेज से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट को लार्ज डॉक्यूमेंट बनाकर सारी इंफॉर्मेशन उसी पेज पर कर दोगे तो वो नॉन इंटरेक्टिव हो जाएगा, यूज़र बोर हो जाएगा, उसको पढ़ेगा नहीं। द इन्फॉर्मेशन कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू इंटरलिंक्ड वेब पेज। तो आप इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे अलग अलग वेब पेज में तोड़ सकते हो। दैट बिकम ईजी टू मैनेज, जिन्हें मैनेज करना भी आसान हो जाता है। एंड नेविगेट टू एंड फ्रॉम आइदर विद इन अ वेब पेज और टू द अदर वेब पेज विद इन योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट के अंदर या तो उसको उसी पेज के अलग अलग सेक्शन में कम्बाइन कर सकते हो या अलग अलग वेब पेजेस में कम्बाइन करके अपनी वेबसाइट के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हो। लिंकिंग मेक्स द डॉक्यूमेंट इंटरैक्टिव। लिंकिंग की हेल्प से आपका डॉक्यूमेंट इंटरैक्टिव बन जाता है। हाइपरलिंक्स आर द बैकबोन ऑफ द वेब पेज, इसीलिए हाइपरलिंक्स को क्या कहा जाता है? वेब पेज का बैकबोन कहा जाता है। नो वेब पेज इज विदाउट अ हाइपरलिंक। कोई भी वेब पेज बिना हाइपरलिंक के बगैर पूरा नहीं होता, अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक द पेजेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। बिना हाइपरलिंक के वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट के पेज की तरह वर्क करता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट। वो आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल कंसिडर करने के लिए कह रहा है। द होम पेज ऑफ सच ए वेबसाइट लिस्ट द मेन कैटेगरीज ऑफ द प्रोडक्ट। जो इसका होम पेज होता है, यानी किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। होम पेज पर उसकी सारी कैटेगरीज होती हैं प्रोडक्ट की। यूजर क्लिक ऑन द लिंक ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू फेच द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। यूजर उन अलग अलग लिंक पर क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द डिटेल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट द यूजर कैन ईजिली नेविगेट फॉर द स्ट्रोलिंग। उस
प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद यूज़र क्या कर सकता है, आसानी से अलग अलग लिंक्स पर जा सकता है और कैन कम बैक टू द होम पेज और होम पेज पर वापस भी आ सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल लिंकिंग एंड द एंकर टैग ए। एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे क्रिएट करेंगे, हमने टू टाइप की लिंकिंग पढ़ी, एक इंटरनल लिंकिंग एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है, इन HTML द एंकर टैग ए इज़ यूज टू मार्क द टेक्स्ट एज हाइपर टेक्स्ट लिंक विच अ यूज़र कैन क्लिक टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट एंकर्ड टू इट। इन HTML के अंदर हम एंकर टैग ए को यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट लिंक बनाने के लिए, जिसमें यूज़र क्या कर सकता है, जो भी आपके पास कंटेंट है या डॉक्यूमेंट है उसको दिखा सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट को दिखा सकता है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। बीइंग अ कंटेनर टैग इट रिक्वायर्स क्लोजिंग ए क्लोजिंग टैग टू मार्क द एंड ऑफ द टेक्स्ट और इमेज। क्योंकि ये कंटेनर टैग है इसलिए इसको स्टार्ट भी करना है और इसको क्लोज भी करना पड़ता है। दिस टैग कैन बी यूज इन टू वे, दो तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। द टेक्स्ट और इमेज दैट इज़ क्लिक टू एक्टिवेट द लिंक, कोई भी टेक्स्ट और इमेज जिस पर आप क्लिक करोगे लिंक को एक्टिवेट करने के लिए। द एड्रेस दैट विल ओपन यूजिंग द डिफाइंड लिंक, या फिर आप उसकी जगह उसका एड्रेस बता सकते हो कि जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो उस एड्रेस वाली फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। यू कैन यूज दिस लिंक इन द फॉलोइंग वे, कैसे यूज़ करोगे, टू जम्प फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर विद इन द सेम वेब पेज। आप क्या कर सकते हो, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर जंप कर सकते हो उसी वेब पेज के अंदर। टू लिंक टू अनदर वेब पेज विद इन द सेम वेबसाइट, एक वेबसाइट के अलग अलग पेज को लिंक कर सकते हो। टू लिंक टू अनदर पेज और वेबसाइट एनी वेयर इन द वर्ल्ड, आप एक वेबसाइट के पेज को पूरे संसार में किसी दूसरे वेबसाइट के पेज से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो पहला क्या बताया उसने, सेम वेब पेज के अलग अलग सेक्शन पे, दूसरा एक वेब पेज का दूसरे वेब पेज के साथ लेकिन सेम वेबसाइट के अंदर, तीसरा क्या बताया, सेम वेबसाइट एक वेबसाइट के पेज का दूसरे वेबसाइट के पेज के साथ कनेक्शन कर सकते हो। द ए टैग हैज़ टू एट्रीब्यूट, इसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं HREF और नेम। HREF क्या होता है, HREF इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ए एंकर टैग विच डिफाइन द डॉक्यूमेंट टू विच द लिंक लीड्स। इसके अंदर उस डॉक्यूमेंट का एड्रेस होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर जोड़ने जा रहे हो। जैसे कि इसका सिंटेक्स लिखने का तरीका है, HREF इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू में डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, क्लिक हेयर आपका टेक्स्ट है, क्लिक हेयर लिखा हुआ है आएगा जो कि ब्लू कलर में और अंडरलाइन होगा। तो क्लिक हेयर पर जब आप क्लिक करोगे तो जो वैल्यू में डॉक्यूमेंट का एड्रेस है वो आपका ओपन हो जाएगा। वेयर वैल्यू URL ऑफ ए वेबसाइट, वैल्यू क्या हो सकती है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है, किसी भी फाइल का नाम हो सकता है या कोई भी ईमेल एड्रेस हो सकता है। नोट में हम पढ़ेंगे, इन द गिवन अबव गिवन सिंटैक्स द टेक्स्ट क्लिक हेयर इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। अभी मैंने आपको बताया क्लिक हेयर आपका लिंक बना होगा। हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट ग्राफिक और मीडिया ऑन द सेम वेब पेज और सम अदर वेब पेज। हाइपर टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट हो सकता है जिसमें किसी भी इन्फॉर्मेशन का लिंक हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन चाहे आपके टेक्स्ट में हो, चाहे ग्राफिक में हो, चाहे मीडिया में, सेम वेब पेज पर भी हो सकता है और अदर वेब पेज पर भी हो सकता है। ब्राउजर डिस्प्ले दिस टेक्स्ट एज अंडरलाइंड और कलर्ड, ब्राउजर क्या करेगा, जो क्लिक हेयर लिखा है उसको कलर्ड में दिखाएगा और अंडरलाइन में दिखाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। एग्जाम्पल दिया हुआ है HTML हेड टाइटल, टाइटल में लिखा हमने यूजिंग लिंक्स, तो यूजिंग लिंक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ यूजिंग लिंक्स। हेड क्लोज, बॉडी, बैकग्राउंड कलर लाइट येलो, बैकग्राउंड कलर लाइट येलो है। अनऑर्डर लिस्ट बना रखी है यहाँ पर, अनऑर्डर लिस्ट में हेडिंग वन में लिखा टूरिस्ट प्लेस इन चंडीगढ़, देखो टूरिस्ट प्लेस इन चंडीगढ़ हेडिंग वन में लिखा हुआ है। फिर फॉन्ट लिया, फॉन्ट का टाइप ले लिया मोनोटाइप कर्सिव, ठीक है। साइज ले लिया 6, तो आउटपुट में देखो साइज कर्सिव में है और फॉन्ट कर्सिव में है और साइज इसका 6 है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर देखो फर्स्ट LI ले लिया, फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही उस लिस्ट को क्या बना दिया उन्होंने, लिंक बना दिया HREF, इसमें रोज गार्डन डॉट HTML का एड्रेस कंटेन है और टेक्स्ट क्या है रोज गार्डन, यानी LI में क्या लिखा आएगा, फर्स्ट आइटम रोज गार्डन और रोज गार्डन कैसे है लिंक, क्योंकि इसको क्या बना रखा है, लिंक बना रखा है। सेकंड LI को भी लिंक बना दिया, उसका नाम है रोज गार्डन, जब रोज गार्डन पे क्लिक करेंगे तो रोज गार्डन डॉट HTML की फाइल ओपन हो जाएगी। थर्ड आइटम भी लिंक है, उसका नाम है सुखना लेक, सुखना लेक पे कौन सी फाइल है, सुखना लेक डॉट HTML की फाइल कंटेन है। फोर्थ आइटम भी आपकी लिंक है, यहाँ पे लिखा हुआ है छतबीर जू पे जब हम क्लिक करेंगे तो छतबीर जू की फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। फॉन्ट को क्लोज कर दिया, अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज, HTML को क्लोज, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है, नाउ टाइप द फॉलोइंग कोड एंड सेव द फाइल विद द नेम रोज गार्डन डॉट HTML। अब नीचे जो आपके पास फाइल गिवन है इसको रोज गार्डन डॉट HTML के नाम से सेव कर देना। यहाँ पर देखा सीधा बॉडी में बैकग्राउंड कलर ले लिया पिंक,
सेंटर पे लिखा हैडिंग वन की हेल्प से इन्होंने रोज़ गार्डन फॉन्ट ले लिया, इसका लुसीडा कलर ले लिया पर्पल। तो आउटपुट में देखो पर्पल कलर में रोज़ गार्डन लिखा आ रहा है, फॉन्ट क्लोज कर दिया, हैडिंग वन क्लोज कर दिया। नेक्स्ट लिया फॉन्ट साइज 6, कलर ले लिया ग्रीन और ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, एज इट इज़ आ गया पैराग्राफ। उसके बाद इन्होंने एक इमेज एंटर करी है img src rosegarden.jpg, रोज़ गार्डन की आ गई है आपके पास यहाँ पर इमेज। ऑब्जर्व इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड 2 वेब पेज, दोनों एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चला हमने 2 वेब पेज बनाए हैं links.html के नाम से, ठीक है, एंड rosegarden.html के नाम से। फर्स्ट वेब पेज में एड्रेस कंटेन है जैसे rosegarden.html, rockgarden.html। अभी हमने इस फाइल को किस नाम से सेव किया है, rosegarden.html, और rosegarden.html कहाँ लिखा हुआ है, इस फर्स्ट लिस्ट में। इट मीन्स जब रोज गार्डन वाले पर हम क्लिक करेंगे तो आपके ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, यह आउटपुट आपकी ओपन हो जाएगी। क्लियर है सभी को? कम टू द नेक्स्ट पेज। सिमिलरली यू कैन टाइप द कोड फॉर अदर लिंक्स आल्सो, इसी तरीके से आप अलग अलग लिंक्स को भी क्रिएट यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है बॉडी में बिजी कलर सियान, आउटपुट देखो सियान है। अनऑर्डर लिस्ट बनाई एलआई में पहली आइटम का नाम इनको अमेजोन साइट, अमेजोन साइट में अमेजोन साइट का वेब एड्रेस इन्होंने लिंक कर दिया। सेकेंड लिस्ट में लिखा इंटेल कॉर्पोरेशन, इंटेल कॉर्पोरेशन को भी लिंक बना दिया इन्होंने। थर्ड में लिखा इन्होंने फोर्थ स्टैंडर्ड हार्वर्ड, तो देखो फोर्थ स्टैंडर्ड हार्वर्ड नहीं है, फोर्थ स्टैंडर्ड हार्वर्ड के बाद जो टेक्स है IBM कॉर्पोरेशन, इसको इन्होंने लिंक बना रखा है। फिर LI फोर्थ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, फोर्थ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर एज इट इज़ लिखा हुआ आया है। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को इन्होंने क्या बना दिया, लिंक बना दिया। अनऑर्डर लिस्ट क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। लास्ट टॉपिक आज का पढ़ेंगे हम टाइटल एट्रीब्यूट। द टाइटल एट्रीब्यूट इज़ यूज टू गिव ए टाइटल टू द डॉक्यूमेंट टू विच यू आर लिंकिंग। टाइटल एट्रीब्यूट को हम यूज़ करते हैं टाइटल देने के लिए, उस डॉक्यूमेंट का टाइटल देने के लिए जिसको आप जोड़ने जा रहे हो। इट कंटेन्स सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिंक इन द टेक्स्चुअल फॉर्मेट, इसके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है उस लिंक के बारे में, और कैसे भी लिखी होती है, टेक्स्ट के फॉर्म में लिखी होती है, दैट इज इंक्लोज इन डबल कोट, जिसको हम डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं। द टेक्स्ट अपीयर व्हेन अ यूजर मूव हिज माउस ओवर दैट लिंक, ये टेक्स्ट कब नजर आता है, जब आप माउस को उसके ऊपर लेके जाते हो। लाइक ये माउस आपका बना हुआ है, इस माउस के पास यहाँ पर नीचे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी, तो इसको हम बोलते हैं टाइटल एट्रीब्यूट, ठीक है। द टाइटल एट्रीब्यूट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। द ब्राउजर माइट यूज द टाइटल एट्रीब्यूट वेन एडिंग दिस लिंक टू यूजर हॉट लिस्ट, ब्राउजर क्या करता है टाइटल एट्रीब्यूट को तब यूज़ करता है जब आप किसी लिंक को किसी हॉट लिंक लिस्ट में ऐड करने जा रहे हो। दिस एट्रीब्यूट इज स्पेशली यूजफुल फॉर रेफरेंसिंग एन इमेज और नॉन HTML डॉक्यूमेंट, किसी इमेज के बारे में बताना है या किसी नॉन HTML डॉक्यूमेंट के बारे में बताना है तो इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। प्रोग्राम देखेंगे हम, सीधा हम चलेंगे यहाँ पर, सेंटर में लिया फॉन्ट, सेंटर के अंदर फॉन्ट चेंज कर दिया है, कलर ले लिया कोड में हेक्साडेसिमल कोड में, साइज 5, टेक्स्ट क्या लिखा आ रहा है क्लिक ऑन द बिलो इमेज लिखा आ रहा है, क्लिक ऑन द बिलो इमेज, फॉन्ट क्लोज BR के बाद एक लाइन का गैप आ जाएगा। ahref google.com, टाइटल में लिखा लेटेस्ट गूगल द वर्ल्ड, img src में google1.png, यहाँ पर एक लिंक बनाया है, लिंक के अंदर कौन सी फाइल क्रिएट है google.com की, यानी इस वेबसाइट की फाइल क्रिएटेड है, लिंक्ड है। जब हम इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो क्या लिखा आएगा, लेटेस्ट गूगल द वर्ल्ड, देखो यहाँ पर हाथ बना हुआ है, हाथ के नीचे लिखा हुआ है लेटेस्ट गूगल द वर्ल्ड, ठीक है। और क्या है यहाँ पर क्रिएट, लिंक किसको बनाया है, फोटो को बनाया है, तो इसलिए फोटो भी ऐड कर दी, इमेज src की हेल्प से google1.png के नाम से फोटो ऐड करी है, और ये फोटो आपकी क्या है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो लिंक बन जाएगी, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, google.com की वेबसाइट खुलेगी, ठीक है।